देहरादून से बड़ी खबर, ज्वेलरी लूट मामले में ये बड़ी खबर आ रही है। मुख्य आरोपी प्रिंस कुमार का भाई गिरफ्तार किया गया है। प्रिंस कुमार के ममेरे भाई सुड्डू कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिहार का रहने वाला है सुड्डू। एक तमंचा, दो जिंदा कारतूस बरामद किया गया। सहसपुर पुलिस ने रामपुर पीठ सारना से गिरफ्तारी की है। लूट के सिलसिले में ये देहरादून आया था तो बड़ा खुलासा हुआ है। कई गिरफ्तारियां पहले भी इस केस में हो चुकी हैं और अब एक और गिरफ्तारी, लेकिन मुख्य आरोपी प्रिंस, उसका भाई गिरफ्तार किया गया है। देहरादून में ज्वेलरी शोरूम में लूट हुई थी और एक बड़ी वारदात हुई थी। भारती सकलानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भारती, इस गिरफ्तारी को कितनी बड़ी कामयाबी पुलिस मान रही है? देखिए, एक बड़ा इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है इस पूरे मामले में। दो आरोपी अभी सिद्धोवाला जेल में देहरादून में बंद हैं, जिनकी 14 दिन की रिमांड पुलिस को मिली हुई है। अब बिहार से ये गिरफ्तारी होना, ये कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले में कई कड़ियां अभी और खुलेंगी, क्योंकि रिलायंस ज्वेलरी लूट का मामला इतना बड़ा मामला है जिसके तार कई राज्यों से खुले हुए हैं और पूरे प्री प्लान्ड तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया था। अब कई कड़ियां खुल रही हैं। सुड्डू कुमार, जो कि पकड़ा गया है, पुलिस के हत्थे चढ़ा है, इसने इस बात को कबूला है कि इसको स्पेशली देहरादून भेजा गया था एक विशेष अभियान के तहत। ये कहा गया था कि स्पेशल मिशन पे आपको जाना है। अभी तक जो जानकारी मिली है इससे, उसमें यही पता चल पाया है और अब ये कहा जा रहा है कि कई और इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इससे मिल सकती है। प्रिंस कुमार, जो कि मुख्य आरोपी है इस पूरी घटना में, उसका ममेरा भाई, ये बताया जा रहा है। जी, धन्यवाद भारती इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर है, एक बड़ी डेवलपमेंट इसे पुलिस मान रही है, इस गिरफ्तारी को।